ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा नहर लाओ जीवन बचाओ निकाली जा रही वाहन रैली आज शुक्रवार को धौलपुर पहुंची। यात्रा में शामिल 13 जिलों के किसान प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जैसी कलेक्ट्रेट पहुंचे तो पुलिस ने किसान नेताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने नहीं दिया और पुलिस बल से किसान नेताओं की झड़प हो गई। पुलिस से हुई झड़प के बाद कलेक्ट्रेट के गेट परिसरक पर किसान नेता धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर चैम्बर से उठकर कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे और किसान नेताओं को समझाइश कर मामले को शांत कराया। किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही एडीएम को पीएम के नाम ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान के 13 जिलों के लिए घोषित की गई योजनाओं को राष्ट्रीय योजना लागू कराने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा ने बताया कि सरकार ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए नहर परियोजना ईस्टर्न कैनाल परियोजना लागू की है। मौजूदा वक्त में राजस्थान प्रदेश में पानी समस्या की बेहद जटिल स्थिति बनती जा रही है। सिंचाई और पीने के लिए पानी की समस्या पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक देखी जा रही है। राजस्थान के 13 जिलों में संपूर्ण सिंचाई एवं पीने के पानी को महत्वपूर्ण जीवनदायी योजना साबित होगी। इस परियोजना से राजस्थान प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 5 हेक्टेयर असंचित क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ेगा, साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि पानी एवं सिंचाई के अभाव में किसानों का पलायन हो रहा है। इस योजना लागू होने से 13 जिलों के लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेगा, साथ ही प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आज शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता जिले के किसानों के साथ लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहले से ही मौजूद पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस से झड़प होने के बाद कलेक्ट्रेट के गेट पर किसान नेता धरने पर बैठ गए। एडीएम ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन प्रेषित कर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। जैसे कि 13 जिलों में ईआरपीसी नहर है, तो हम एक यात्रा जल लाओ जीवन बचाओ इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का नहीं पशुधन है, जीव जंतु जानवर सभी का एक मूल भावना है और मूल इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि जब तक ज़मीनें बंजर हो जाएंगी लोगों का पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं गाँव में लोग शहर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, पानी नहीं है, तो लोगों को पानी मिले यहीं पे रोजगार मिले उद्योग धंधे लगेंगे लोग यहाँ रुकेंगे खुशी समृद्धि आएगी और खास करके जीवन बचाना बहुत जरूरी है। पूरे 36 कौम का है, नहीं कोई हमारे को राजनीतिक इसमें कोई मकसद है, पूरी 36 कौम का है कि हमारा नहर लाओ और जीवन बचाओ। इसी के साथ हम पूरे 13 जिलों में एक जन जागृति अभियान के रूप में शुरू कर रहे हैं और आने वाले 18 मई को राजभवन का घेराव है जिसमें सभी लोग हमारे साथ हैं और भगवान से यही मांग करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री माने और इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करें ताकि जल्दी जल्दी काम शुरू हो और ये नहर आए लोग। आज 13 जिलों की 3 करोड़ लोगों की जो मुख्य मांग है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए हम पूरे राजस्थान के 13 जिलों में नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा लोगों को जन जागरूक करने के लिए आने वाली 18 मई को हमारा राजभवन का घेराव का कार्यक्रम है। हमें पानी चाहिए पूर्वी राजस्थान के 5 लाख हेक्टेयर भूमि 13 जिलों की बंजर भूमि पूरी राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए। ये पानी की जल है तो जीवन है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये धर्म से जाति से अन्य समुदाय से ऊपर उठकर मुद्दा है, कोई राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। ये सीधा साधा दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी सबके लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसमें 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, इनका जनजीवन स्तर सुधरेगा, यहाँ के लोग जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं खेतिहर मजदूर काम नहीं मिल रहा है उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हम चाहते हैं हर हालत में ये जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो ताकि 3 करोड़ लोगों को राजस्थान की आधी आबादी लगभग इन जिलों में रहती है उनको इसका लाभ मिल सके। नहीं तो जल के बिना ये पूरी राजस्थान जो पश्चिम राजस्थान रेगिस्तान हुआ करता था आज वहाँ हरियाली है। हम चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए इस राष्ट्रीय